आइए आज मैं आपको बताने वाला PDF या JPG फाइल को कैसे कम MB में करते हैं या KB में उसको करते हैं। पहले मैं ब्राउज़र में टाइप करूँगा PDF कंप्रेसर, टाइप करके सर्च मारूँगा। ये फर्स्ट ऑप्शन PDF कंप्रेसर PDF फाइल ऑनलाइन, क्लिक कर देंगे इसको। ये नीचे देखते पहले फर्स्ट वाले को ही क्लिक कर दें। अब यहाँ दिख रहा होगा अपलोड फाइल्स, इसको क्लिक कर दें। मैं सारा चीज़ डेस्कटॉप में ही रखता हूँ। इसमें एक चिंटू टिकट करके जो एक PDF है, मैं उसको सेलेक्ट करके ओपन कर लूँगा। यहाँ से ओपन कर लें। ओपन करने के बाद मैं नीचे आऊँगा। नीचे आने के बाद ये देख लें, ये अपलोड हो रहा है। ये हो रहा है, ये -12% हो गया। डाउनलोड कर देंगे यहाँ से। करने के बाद ये डाउनलोड मेरा हो गया है, मैं इसको क्लिक कर दूँगा। क्लिक करने के बाद ये मेरा PDF है, यहाँ से मैं सेव कर लूँगा। ऊपर वाले ऑप्शन ये सेव मैं कर लेता हूँ। यहाँ से मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना फाइल का नेम दे सकते हैं, जो भी आपका मन है वो दे दें। देने के बाद ये मैं दे देता हूँ, कुछ भी आप दे दें। यहाँ से सेव कर दें। सेव करने के बाद आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फाइल की MB या KB कम हुआ है या नहीं। आइए मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। ये रहा चिंटू टिकट, मैं इसका दिखा देता हूँ। मैं इसको इधर थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ। साइड करने के बाद इसको भी मैं चेक कर लेता हूँ कि ये कितने साइज में है। ये देखिए, ये पहले था 161 KB और अब हो गया है 142 KB, मतलब ये इतना कम हो गया है। ऐसे ही आप कर सकते हैं, कोई भी फॉर्म फिलअप करेंगे तो ऐसे ही KB में ही मांगता है, तो ऐसे आप कम करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और मेरा वीडियो आप पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए।